हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 19th of July 2023। लेट्स बिगिन टुडेज नर्सिंग एमसीक्यूज क्लास फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव just got selected in the previous NORSET exam. Let's begin our today's class. Our first question is, father of Indian surgery is, इनमें से किसे father of Indian surgery माना जाता है? धन्वंतरी, चरक, शुश्रुत, आत्रेया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, शुश्रुत। शुश्रुत को हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज लिख सकते हैं, चरक जो थे उन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। चरक जो थे, चरक ऋषि जो थे, उन्होंने आयुर्वेदा से संबंधित काम किया था, इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू। किडनी का इनमें से मेन फंक्शन कौन सा होता है? एलिमिनेट ऑक्सीजन, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिज्म विटामिन्स, एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना किडनी का सबसे मेन फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एजिज्म को हम किस प्रकार से कैरेक्टराइज करते हैं? ऑप्शन ए, डिनाइल ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग एजिंग। एजिंग के रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स को डिनाई करना। ऑप्शन बी, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज। एज के बिहाफ पर जो एल्डर पर्सन्स हैं उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ऑप्शन सी, नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन एज। एज के हिसाब से बड़े लोगों के प्रति एल्डर पर्सन्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखना। ऑप्शन डी, नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एल्डरली बेस्ड ऑन फिजिकल डिसेबिलिटी। जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनमें एज के हिसाब से डेवलप हुई फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखना। एजिज्म शब्द एग्जैक्टली किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है ये आपको बताना है। कई बार आपको एजिज्म की स्पेलिंग आपको इस तरह से लिखी मिल सकती है, एजिज्म भी कह सकते हैं या एजिज्म भी कह सकते हैं इसे। एजिज्म बेसिकली एक स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन है जो कि ओल्ड पर्सन्स के अगेंस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऐसा एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है जो कि ओल्ड पर्सन्स के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि जो लोग बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, एल्डर पीपल हैं, उनके लिए हेट की भावना होती है, नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है उसे हम एजिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्पेसिफिक टू एन ओल्डर अडल्ट शुड द नर्स कंसीडर
When providing instructions to such a client recently diagnosed with diabetes mellitus, किसी ओल्ड पर्सन को डायबिटीज कंडीशन हो गई है और रिसेंटली इसे डायग्नोज किया गया है, अब इस पेशेंट को आप डायबिटीज के बारे में टीचिंग देना चाहते हैं, तो टीचिंग देने के दौरान इन चारों में से कौन सा मेथड या कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और टीचिंग देंगे? ऑप्शन वन, नॉलेज रिड्यूसेस जनरल एंजाइटी। नॉलेज की वजह से जो क्लाइंट की जनरल एंजाइटी है, चिंता है, वो कम हो जाएगी। ऑप्शन टू, कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीजेस विद एजेस। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज में पर्सन की किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन सी, कंटिन्यूड री एनफोर्समेंट इज एडवांटेजियस। लगातार बार बार दोहराते रहना, सिखाते रहना, इन लोगों में टीचिंग को सक्सेसफुल बनाएगा। ऑप्शन फोर, रेडीनेस ऑफ द लर्नर प्रीसीड्स इंस्ट्रक्शंस। क्लाइंट का इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी होता है। यहां पर ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एज बढ़ती है, तो न्यूरॉन्स पुराने होते जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल एजिंग हो जाती है, और न्यूरॉन्स के ओल्ड होने के कारण उन पर्सन्स में फॉरगेटफुलनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और वो स्लो रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हमें कोई टीचिंग देनी है, किसी बात को सिखाना है, समझाना है, तो हमें उन्हें बार बार एक ही बात को बोलना होगा, रिपीट करते रहना होगा, जिससे कि धीरे धीरे वो ये चीज़ सीख जाएंगे, उसे अपने बिहेवियर में लाएंगे और पर्टिकुलर डिजीज़ से वो अच्छा रेस्पॉन्स निकाल लाएंगे। तो एज बढ़ने के साथ साथ ओल्ड एज के अंदर पर्सन में फॉरगेटफुलनेस जैसी कंडीशन होती है, स्लो लर्निंग जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो हमें यहाँ पर किसी भी बात को बार बार रिपीट करते रहना है, ताकि वो उनके बिहेवियर में आ जाए, उनके याददाश्त में बनी रहे, और इससे वो डिजीज़ को बेहतर तरीके से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग abnormal blood values would not be improved by dialysis treatment? इन चारों में से कौन सी abnormal blood value dialysis treatment करने के बाद भी normal नहीं हो सकती? Option A, elevated serum creatinine level, hyperkalemia, decreased hemoglobin level, hypernatremia. डायलिसिस करने के बाद भी कौन सी ब्लड वैल्यू इम्प्रूव नहीं हो सकती? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। अगर किसी क्लाइंट में हीमोग्लोबिन का लेवल, एचबी का लेवल नॉर्मल से कम है और आप उसमें डायलिसिस करवा देते हैं, फिर भी ये लेवल बढ़ेगा नहीं, सो इट इज़ नॉट चेंज विद द डायलिसिस ट्रीटमेंट। अगर आप क्रिएटिनिन लेवल की बात करें, नॉर्मल से ज़्यादा अगर क्रिएटिनिन लेवल है, तो ये नॉर्मल हो सकता है डायलिसिस के बाद। बेसिकली इसे ही करेक्ट करने के लिए डायलिसिस करवाया जाता है। अगर क्लाइंट में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये भी डायलिसिस के बाद नॉर्मल हो सकता है। क्लाइंट में अगर सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये भी डायलिसिस के बाद नॉर्मल हो सकता है। सिर्फ हीमोग्लोबिन की वैल्यू डायलिसिस के बाद नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हैड अ ब्रेन अटैक एंड बेड रेस्ट इज ऑर्डर्ड, व्हाट कैन द नर्स यूज टू बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन दिस क्लाइंट?
किसी क्लाइंट को स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन अटैक हुआ था, और अब इसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, यानी बिस्तर पर ही रहने के लिए कहा गया है। इस सिचुएशन में क्लाइंट में कहीं फुट ड्रॉप ना हो जाए, इसको रोकने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जा सकता है? स्प्लिंट्स, ब्लॉक्स, क्रेडल्स, सैंड बैग्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि फुट ड्रॉप होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और लंबे समय से बेड रेस्ट पर ही है, तो पेशेंट जब बेड रेस्ट पर रहेगा, लेटा रहेगा, तो कुछ समय बाद में उसका पैरों का ये जो नीचे वाला सोल वाला हिस्सा है, फुट वाला पार्ट है, ये आगे की तरफ यूं झुक जाएगा, इस तरह से ये गिर जाएगा। तो ये चीज जो है पैर के प्लांटर फ्लेक्शन को होने को बताती है, और ऐसा लंबे समय से रहने के कारण इस जगह पर मौजूद पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है, और फिर क्लाइंट का जो पैर है वो परमानेंटली इसी तरह से आगे झुका हुआ लेटा हुआ रहेगा। क्लाइंट चाहकर भी इसे वापस नॉर्मल पोजीशन में नहीं ला सकता, डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पाता। ये चीज फुट ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। और इस चीज से अगर आपको बचना है तो कौन सी कंडीशन आपको यूज करनी होगी? स्प्लिंट, ब्लॉक्स, क्रेडल या सैंड बैग्स? ऑप्शन वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम क्लाइंट में फुट ड्रॉप ना हो, इसके लिए कई प्रकार के स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं या फिर बूट्स यूज कर सकते हैं। मान लीजिए क्लाइंट लेटा हुआ है, हम इसे हाई नेक वाले बूट्स पहना देंगे, जूते पहना देंगे, जिसकी वजह से जो क्लाइंट का पैर है वो इसी पोजीशन में बना रहेगा, आगे की तरफ नहीं झुकेगा, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगा, तो क्लाइंट के अंदर किसी भी प्रकार का फुट ड्रॉप नहीं होने वाला। इसके अलावा जो स्प्लिंट्स आते हैं उन्हें हम, वो एल शेप के होते हैं, क्लाइंट के काफ वाले हिस्से पर इस जगह पर इन्हें फिक्स कर दिया जाता है और ये इस प्रकार से एल शेप में रहते हैं, तो क्लाइंट के पैर का नीचे वाला हिस्सा इससे सपोर्ट में आकर इसी पोजीशन में रहता है, आगे की तरफ झुकता नहीं है, तो ये स्प्लिंट यहाँ पर इस तरह से लगाया जा सकता है। एक और टाइप के स्प्लिंट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए क्लाइंट का पैर है, तो इसे यहाँ पर काफ मसल्स के पास अप्लाई करके उसका एक यहाँ पर कनेक्शन होता है, एक थ्रेड होता है, जिसकी वजह से पैर को वो इस प्रकार से होल्ड करके रखता है। इससे भी अप्लाई करने से क्लाइंट का पैर आगे की तरफ नहीं झूल पाता और क्लाइंट में फुट ड्रॉप नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो स्प्लिंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल करके और बूट्स पहनाकर हम किसी भी बेड रिडन पेशेंट को या बेड रेस्ट कर रहे पेशेंट में फुट ड्रॉप कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ऑप्शन टू के अंदर जो ब्लॉक डिवाइस दिया गया है, ये बेड के फ्रेम को एलिवेट करने में इस्तेमाल करते हैं, ये इससे जो फुट की पोजीशन है वो कहीं भी अफेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर ये चीज सही नहीं माना जाएगा। क्रेडल्स क्या होता है? जैसे कि कोई बर्न का पेशेंट है, जैसे ये बेड है, बेड के ऊपर बर्न वाला पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसके ऊपर सी शेप की इस प्रकार की रिंग्स आती हैं, उसे लगा दिया जाता है, जो कि क्लाइंट की बॉडी को टच नहीं करती, बेड से कुछ ऊपर उठी होती हैं, और इसके ऊपर फिर हम बेडशीट को अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि क्लाइंट की बॉडी से ये बेडशीट टच नहीं होती, और दूसरी जो हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, मच्छर होते हैं, वो इसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। तो क्रेडल वो डिवाइस है जो कि बर्न वाले पेशेंट के ऊपर प्लेस किया जाता है और इसके ऊपर बेड लिनन, बेडशीट आदि को लगा दिया जाता है, नेट लगा दिया जाता है, जिससे कि जो मच्छर हैं या किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, डायरेक्टली जो बेडशीट है वो क्लाइंट की स्किन के कॉन्टेक्ट में ना आए। और लास्ट ऑप्शन के अंदर बताया गया है सैंड बैग्स क्या होता है। सैंड बैग्स बेसिकली रोटेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे फुट ड्रॉप को प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है, तो आपने इसकी गर्दन एक तरफ ना गिर जाए, घूम जाए, इस चीज को बचाना है, तो इस तरफ भी सैंड बैग लगा दिया, इस तरफ भी सैंड बैग लगा दिया, तो क्लाइंट की गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, वो एक तरफ टिल्ट नहीं होगी। अब क्लाइंट के हाथ को एक जगह पर रखना है या पैर को एक पोजीशन में रखना है, तो इसके साइड में आप सपोर्ट देकर सैंड बैग्स लगा देंगे, तो एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाटर हैमर पर्ल्स इज सीन इन, इनमें से किस कंडीशन में आपको वाटर हैमर पर्ल्स देखने को मिलेगी? एरोटिक रिगर्गिटेशन में, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, या फिर हर्ट ब्लॉक में? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर हैमर पल्स होता क्या है। जब किसी क्लाइंट में पल्स का आप असेसमेंट करें और असेसमेंट के दौरान क्लाइंट क्लाइंट की जो पल्स है वो आपको बाउंडिंग मिले, फोर्सफुल मिले और रैपिड अप स्ट्रोक्स और डिसेंट इसमें देखने को मिले, रैपिड अप स्ट्रोक एंड डिसेंट देखने को मिले, तो ये चीज वाटर हैमर पल्स कहलाती है। यानी बहुत ही ज्यादा तेजी से फोर्सफुल बाउंडिंग, मतलब भरी हुई और बहुत तेजी से ऊपर आती है नीचे जाती है, ऐसी पल्स अगर फील हो रही है तो ये चीज वाटर हैमर पल्स कहलाएगी और ये आपको एरोटिक रीगर्गिटेशन कंडीशन में देखने को मिलेगी। वाटर हैमर पल्स इज सीन इन एरोटिक रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्फलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। किसी न्यूबॉर्न बेबी में ओम्फलाइटिस किस पार्ट का इन्फेक्शन कहलाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का, आइज का, फेरिंग्स का या फिर ईयर का? यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्बिलिकल कॉर्ड का। यहाँ पर जो ओम्फेलाइटिस शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर ओम्फेलाइस का मतलब होता है अम्बिलिकस। हिंदी में आप इसे नाभि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है या कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसका एब्डोमेन के सेंटर में जो अम्बिलिकस वाला हिस्सा होता है, नाभि वाला हिस्सा होता है, यही इसके अंदर या इसके आसपास इन्फ्लामेशन का होना ड्यू टू इन्फेक्शन ओम्फेलाइटिस कहलाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में इस जगह पर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है, जिससे कि जब बच्चा मदर के वूम्ब में था सारा न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज होता था, तो ओम्फेलाइटिस को हम कहीं ना कहीं इसमें हुआ इन्फेक्शन भी मान लेते हैं। इस वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन को हम ओम्फेलाइटिस कंडीशन का नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये जो अम्बिलिकस है ये एब्डोमेन के सेंटर में एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है, जो कि ये बताता है कि फीटल डेवलपमेंट के दौरान हमारी अम्बिलिकस इस हिस्से से अटैच्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइप ऑफ इलनेसेस कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ड्यूरेशन इज। आपको उस टाइप की इलनेस सेलेक्ट करनी है जो कि थोड़े समय की होती है या थोड़े समय में डेवलप हो जाती है। एक्यूट, क्रॉनिक, मेजर, माइनर। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्यूट शब्द से आप अचानक को याद रख सकते हैं या फिर इसे सडनली कह सकते हैं, यानी ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई इलनेस कंडीशन जो कि अचानक डेवलप हो जाती है उसे एक्यूट डिजीज कहा जाता है। और ऐसी कोई डिजीज कंडीशन जिसका डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है, यानी धीरे धीरे वो डिजीज डेवलप होती है, तो ऐसी डिजीज कंडीशंस क्रॉनिक डिजीज के नाम से जानी जाती है। एक्यूट मीन्स अचानक होने वाली और क्रॉनिक मीन्स ग्रेजुअली डेवलप होने वाली, धीरे धीरे स्लोली स्लोली होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स इज नोन एज। किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को आने से रोकना किस लेवल का प्रिवेंशन है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट किया जाता है, रिस्क फैक्टर्स के लाइफ में आने को रोका जाता है। प्रीमोडियल लेवल के प्रिवेंशन को इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब क्लाइंट की लाइफ में ना तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रेजेंस होती है, ना ही उस डिजीज़ से संबंधित रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। इस समय सिर्फ क्लाइंट को एजुकेट करके, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करवा कर हम रिस्क ऑफ डिजीज डेवलपमेंट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन वॉलेंट्रली रिपीटिटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्रली मसल्स इनटू द चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। अगर किसी पर्सन में बिना किसी उद्देश्य से रिपीटिटिव मूवमेंट हो रही है मसल की, तो वो किस टर्म द्वारा नोट की जाएगी? पिका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। इट इज कॉल्ड टिक सिंड्रोम और टिक डिसऑर्डर। मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा या कोई एडल्ट पर्सन बैठा है और आपसे बात करने के दौरान वो बार बार अपने शोल्डर्स को श्रग मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपसे बात करते समय शोल्डर की ये जो इनवॉलंटरली की जा रही मूवमेंट है, इसे हम टिक सिंड्रोम या टिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल पर्पसलेस रिपीटेटिव मूवमेंट जो होती है, उसे हम टिक डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इकोप्रेक्सिया के अंदर दूसरों द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटी की कॉपी करना, नकल करना होता है, जबकि इकोलेलिया में दूसरे के शब्दों को कहे गए दूसरे के द्वारा कहे गए शब्दों को क्लाइंट पर्पसलेसली बोलता रहता है, जबकि टिक सिंड्रोम के अंदर पर्सन किसी की कॉपी नहीं करता, स्वतः ही अपनी बॉडी के किसी पार्ट को लगातार पर्पसलेसली मूव करता है। पीका जो है एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्लाइंट एक विशेष स्टेज में नॉन फूड आइटम्स को खाना शुरू कर देता है, जैसे कि आइस, क्ले, पेपर, एश, डर्ट, तो ये चीज जो है पीका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक या फिर कोटाइलिडॉन्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरियन। प्लेसेंटा कह दीजिए, या फिर आप इसे और स्पेसिफिकली कहें तो एमनियोटिक सैक। इसे इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और इस यूट्रस के अंदर ये बेबी है। अब इस यूट्रस में बच्चे के चारों तरफ डबल लेयर का एक एमनियोटिक सैक पाया जाता है, डबल लेयर से बना हुआ एक थैला पाया जाता है, और इसके अंदर बच्चा रहता है, और बच्चे और इन दोनों लेयर्स के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है, जो कि बच्चे में एक्सटर्नल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब इस बच्चे के चारों तरफ जो ये सैक आप देख रहे हैं, इसमें जो बाहर वाली जो लेयर है, इसे हम कोरियन का नाम देते हैं, जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है, इसे हम एमनियन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे के चारों तरफ पाए जाने वाले एमनियोटिक सैक या प्लेसेंटा में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कोरियन का नाम देते हैं, जबकि अंदर वाली जो लेयर होती है, उसे हम एमनियन का नाम देते हैं। योग सैक की बात की जाए तो योग सैक वह स्पेस है जहाँ पर फर्स्ट रेड ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट आरबीसी का निर्माण होता है। कोटाइलिडॉन जो होते हैं,
ये मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा पर पाए जाने वाले राउंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली मास ऑफ विलाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज फॉल अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसी पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे चेक करना है, इस बारे में सिखाना, एजुकेट करना, किस लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे इस तरह से आप देख सकते हैं, किसी भी पेशेंट को आप ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेजर करना है ये कब सिखाएंगे? जब क्लाइंट को डायबिटीज होगा तभी तो सिखाएंगे, यानी क्लाइंट में डिजीज कंडीशन हो चुकी है और अब उसे इसे सिखाया जा रहा है कि कैसे ग्लूकोज लेवल चेक करना है। यस, आप बिल्कुल सही आंसर अब सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम क्लाइंट को रिहैबिलिटेशन सिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट डायबिटीज कंडीशन से सफरिंग है और रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करके वो अपने हेल्थ कंडीशंस को बेहतर बना रहा है और डिजीज की सीरियसनेस को, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहा है। सो ऑप्शन डी, टर्सरी प्रिवेंशन में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लैटनिंग ऑफ इमोशंस इज अदरवाइज नोन एज। किसी भी क्लाइंट में इमोशंस का नहीं होना, इमोशंस का फ्लैट हो जाना किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? एम्बिग्विटी, लूज एसोसिएशन, सप्रेशन या फिर ब्लंटेड इफेक्ट। इमोशंस का ना होना, कम होना, फ्लैटनिंग होना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट मीन्स फ्लैटनिंग और लैक ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट विथ बंडल ब्रांच ब्लॉक इज ऑन कार्डियक मॉनिटर, व्हाट ईसीजी चेंज शुड द नर्स आइडेंटिफाई ऑन क्लाइंट्स कार्डियक मॉनिटर। किसी क्लाइंट में बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसी कंडीशन डेवलप हुई है, इस पेशेंट में कार्डियक मॉनिटर पर ईसीजी का कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। सैगिंग एसटी सेगमेंट्स, एब्सेंस ऑफ पी वेव कॉन्फिग्रेशन, इनवर्ट टी वेव्स फॉलोइंग ईच क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स टू अ मिनिमम ऑफ 0.12 सेकेंड्स। देखिएगा, जब भी सैगिंग ऑफ एसटी सेगमेंट होता है, यानी कि एसटी सेगमेंट इन्वर्ट होने लगता है, तो ये कार्डियक डैमेज कंडीशन को बताती है, यानी कि एमआई जैसी कंडीशन के होने में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट के अंदर पी वेव एब्सेंट है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नोड के डिस्टर्बेंस को बताता है, तो ये यहाँ पर बंडल ब्रांच ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन वन और टू गलत हो गया। टी वेव इन्वर्ट और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का डिस्टर्ब होना, ये चीज जो है कार्डियक डैमेज से संबंधित है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। फाइनली आपके पास ऑप्शन फोर बचता है कि क्लाइंट में यदि क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, मिनिमम 0.12 सेकेंड्स का, तो ये चीज बंडल ब्रांच ब्लॉक को बताती है। नॉर्मल ईसीजी पैटर्न आप जब देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है, पी क्यू आर एस
और यहाँ पर टी वेव होती है। लेकिन यहाँ पर जब बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो ये जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है ये काफी ज्यादा आपको वाइड देखने को मिलेगा। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा यहाँ पर आपको वाइड देखने को मिलेगा, चौड़ा देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। और इसी को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बंडल ब्रांच ब्लॉक क्लाइंट में डेवलप हुआ है। एक्चुअल में आप इस चीज पर गौर करिएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक, आपने जब हर्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज देखी होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा हर्ट है, यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास ऐसे नोड होता है, इसके द्वारा इम्पल्स बनाए जाते हैं जो कि एवी नोड तक पहुंचते हैं। एवी नोड से ये इम्पल्स जो होते हैं ये आगे जाकर बंडल ब्रांच में जाते हैं और फिर यहाँ से पुर्किंजे फाइबर्स वगैरह आगे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एवी नोड से इम्पल्स अगर आगे नहीं जा पा रहे हैं, यानी वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है वो डिले हो रहा है, वेंट्रिकल्स लेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो जब भी हम ईसीजी को देखेंगे तो वहां पर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के समय बनने वाली जो क्यू आर एक्स वेव है ये आपको लॉन्ग मिलेगी, यानी वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में समय लग रहा है। इसलिए बंडल ब्रांच ब्लॉक होने पर इस प्रकार का देखने को मिलेगा। फिर से समझ लीजिएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक हर्ट की वह कंडीशन है जिसमें जो इम्पल्स होता है वो एवी नोड से आगे वेंट्रिकल्स में बहुत स्लो जाता है या नहीं जा पाता। इस सिचुएशन में जब ईसीजी करवाई जाती है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने के कारण या धीमे कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ईसीजी की जो क्यू आर एस वेव है ये काफी वाइड देखने को मिलती है, चौड़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट सम्स अप और कॉन्स्टिट्यूट अ डिजीज इज नोन एज। आपको उस पर्टिकुलर टर्म को सेलेक्ट करना है जिसका मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का एक साथ अपीयर होके डिजीज कॉज करना होता है। क्या ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन है, सिम्टम्स है, सिंड्रोम है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंड्रोम बेसिकली मेडिकल साइंस और सिम्टम्स का एक सेट होता है जो कि किसी एक विशेष डिजीज से संबंधित हो, सिंड्रोम कहलाता है। या फिर आप सिंपली अगर लिखना चाहे तो सिंड्रोम की डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी विशेष डिजीज से संबंधित बहुत सारे लक्षण हों, तो ये चीज सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? नॉर एड्रिनलिन, बेंजोट्रोपिन, कार्बे मेजपाइन या फिर हेलो पेरिडॉल? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते क्या हैं। जब कोई पर्सन साइकोटिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहा होता है तो इन ड्रग्स के कई बार साइड इफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के रूप में जानते हैं जो कि ब्रेन के एक्स्ट्रा पिरामिडल पार्ट के अफेक्ट होने पर डेवलप होते हैं। ये बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट बॉडी के अंदर कॉज करते हैं। अब इस प्रकार के एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप की ड्रग बेंजोट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम इन सिम्टम्स को ट्रीट कर पाते हैं। मेजर साइकाइट्रिक कंडीशंस होती हैं, साइकोटिक कंडीशंस होती हैं,
उनके ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे पर्सन्स में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज अ साइड इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं, और उन्हें ट्रीट करने के लिए एंटी कॉलिनर्जी ग्रुप की बेंजोट्रोपिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग अ वर्ड्स ओवर एंड ओवर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। अगर कोई व्यक्ति किसी शब्द को बार बार दोहराता रहता है, रिपीट करता रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नियोलॉजिज्म, ऑप्शन बी सर्कमस्टेंशियलिटी, ऑप्शन सी स्टीरियोटाइप, ऑप्शन डी सैनिलिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। जब कोई पर्सन बार बार किसी मोमेंट को या एक्शन को या स्पीच को रिपीट करता रहता है अनकॉन्शियसली, तो ये चीज स्टीरियोटाइप कहलाती है। बिना कॉन्शियस माइंड के इन्वॉल्व हुए किसी मूवमेंट, एक्शन या स्पीच को बार बार रिपीट करना स्टीरियोटाइप कहलाता है। और इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो एक वर्ब इग्रेशन टर्म होती है, इसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। वर्ब इग्रेशन टर्म जो होती है उसमें अनकॉन्शियसली कोई व्यक्ति किसी फ्रेज, वर्ड या सेंटेंस को बार बार रिपीट करता रहता है, मीनिंगलेसली रिपीट करता रहता है, तो इसे हम स्टीरियोटाइप स्पीच के नाम से जानते हैं। वर्ब इग्रेशन क्या है? बिना किसी उद्देश्य के किसी शब्द को बार बार दोहराना वर्ब इग्रेशन है। इट इज अ स्टीरियोटाइप स्पीच कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को और किस नाम से भी जाना जाता है? प्यूनिस, कॉरियन, ओम्फेलॉन, एमनियॉन। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि बच्चे और प्लेसेंटा के बीच में एक ब्रिज या कनेक्शन के रूप में काम करती है, इसे फ्यूनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्लूड्स। किसी क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन या फिर ये सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी क्लाइंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच में है तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ये ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ाएगा और इसकी वजह से क्लाइंट को वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, इरिटेशन, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी इज। हमारे शरीर के द्वारा सबसे ज्यादा एनर्जी किसके द्वारा बनाई जाती है? मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स कौन सा है? ये आपको बस सिंपली बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या मिनरल्स। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज कार्बोहाइड्रेट।
हमारे शरीर का जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा पूरा होता है, तो मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर प्रोवाइडिंग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू द क्लाइंट, व्हाट ऑल आर द प्री प्रोसीजरल केयर फ्यूम्स नीड टू बी डन। किसी क्लाइंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग देने से पहले कौन सा एक्शन आपको करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोवाइड फॉबलर्स पोजीशन, ऑप्शन बी टेक एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन सी एस्पायरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। ऐसा कोई भी क्लाइंट जो कि ओरल रूट से फूड इंटेक नहीं कर सकता, उसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वह डिवाइस है जो कि क्लाइंट के नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक पहुंचा दी जाती है, और जब भी हमें क्लाइंट को कुछ फीडिंग देनी होती है या मेडिसिन देनी होती है तो इस ट्यूब में इंसर्ट कर दे देते हैं, और ये मेडिसिन या फूड या इस ट्यूब की मदद से डायरेक्टली स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। तो ये चीज़ है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, और जब भी आप इस ट्यूब के थ्रू क्लाइंट को फीडिंग या मेडिकेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे फॉवलर्स पोजीशन में लाएंगे, यानी क्लाइंट का जो हेड साइड है उसे एलिवेट करके इस प्रकार से बैठा देंगे ताकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो सके। उसके बाद क्लाइंट के एब्डोमिनल गर्थ को देखेंगे, यानी क्लाइंट का जो पेट है वो कहीं ज़्यादा एबनॉर्मली फूला हुआ तो नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा डिस्टेंडेड तो नहीं दिख रहा है, इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। और इसके बाद गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट करके देखेंगे कि क्लाइंट में कहीं फूड इनटॉलरेंस तो नहीं डेवलप हो रही है, यानी कि क्लाइंट का खाना पच रहा है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट किया जाएगा। पेट अगर फूला हुआ है तो इसका मतलब फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो भी हमें एस्पायरेट करना होगा। कितना एस्पायरेशन से कंटेंट बचा है इसे देखकर भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट को नेक्स्ट फीडिंग देनी है या नहीं। सो ये सभी चीज़ें आपको नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग देने से पहले चेक करनी है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्रग नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड टू क्लाइंट इमीडिएटली बिफोर ईसीटी इंक्लूड्स। किसी क्लाइंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से जस्ट पहले कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है? ऑप्शन ए थियोपेंटल सोडियम, सक्सिनाइल कोलाइन, मेथोहेक्सिटल सोडियम, या फिर ये सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, थियोपेंटल सोडियम और मेथॉक्सिटल ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक मेडिसिन्स हैं। ये दोनों ही शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग हैं, यानी थोड़े समय के लिए एनेस्थीसिया इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है। इसके अलावा जो ये सक्सिनाइल कोलीन ड्रग है ये मसल रिलैक्सेंट है, यानी ईसीटी के दौरान मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि एट्रोपीन भी हम ईसीटी से 30 घंटे पहले एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे कि क्लाइंट के बॉडी सिक्रेशंस कम से कम हो जाएं और क्लाइंट में ईसीडी प्रोसीजर के दौरान या इसके बाद रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फूड आइटम हैज द हाईएस्ट कैलोरीज। इनमें से कौन सा फूड आइटम सबसे ज्यादा कैलोरी रखता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी पुश्ड आउटसाइड,
फैट या विटामिन? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलाइज करते हैं तो इससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं अगर 1 ग्राम प्रोटीन को हम मेटाबॉलाइज करते हैं तो इससे भी हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट को मेटाबॉलाइज करके हम 9 किलो कैलोरी एनर्जीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो कैलोरीज हैं वो फैट के डाइजेशन से हमें मिल रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। व्हाट इज प्रायोरिटी असेसमेंट व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर हेमरेज? किसी क्लाइंट में टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रोसीजर किया गया है, अब इस क्लाइंट में हमें हैमरेज तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज़ का असेसमेंट करना है, तो कौन सा प्रायोरिटी असेसमेंट एक्शन परफॉर्म करना होगा? ऑप्शन वन, चेक वाइटल साइंस एवरी 4 आवर। हमें हर 4 घंटे में एक बार वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। ऑप्शन टू, एग्जामिनिंग द बेडिंग अंडर द क्लाइंट। हमें क्लाइंट के नीचे जो बिस्तर मौजूद है उसका असेसमेंट करना चाहिए। ऑप्शन थ्री, मीजरिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ थाई। हमें थाई के सर्कमफ्रेंस को असेस करना चाहिए। ऑप्शन फोर, ऑब्जर्विंग द एक्काइमोसिस एट द ऑपरेटिव साइट। जिस जगह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उस जगह पर किसी प्रकार का रेडेंट एरिया, एक्काइमोसिस तो नहीं, ये चीज असेस करनी चाहिए। देखिएगा, हेमरेज का असेसमेंट अगर आपको करना है टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, तो वाइटल साइंस को अगर आप 4 घंटे में मेजर करेंगे तो ये काफ़ी डिले होगा। क्लाइंट में वाइटल्स का असेसमेंट और ज़्यादा जल्दी और पहले करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। जिस जगह पर सर्जरी हुई है उस जगह पर हमने ड्रेसिंग्स लगा रखी हैं, और ड्रेसिंग लगे होने के कारण हम उस जगह पर एकाइमोसिस का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्लाइंट के थाइस का साइज माप कर उसमें ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, इस चीज का पता नहीं किया जा सकता। फाइनली ऑप्शन नंबर 2 बचता है, और ये सही आंसर भी है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम क्लाइंट को रिकम्बेंट पोजीशन में रखते हैं, और इस पोजीशन में रहने से क्लाइंट के अगर ब्लीडिंग होती है हिप एरिया से, तो वो क्लाइंट, जैसे ये मान लीजिए आपका क्लाइंट लेटा हुआ है बेड के ऊपर, तो इस क्लाइंट के अंदर अब हिप रिप्लेसमेंट प्रोसेस के बाद जो ब्लीडिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी क्लाइंट का जो बॉडी है उसके नीचे ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। तो हमें क्लाइंट को थोड़ा सा उठाकर उसके बेड के नीचे बिस्तर पर ब्लड तो नहीं इकट्ठा हो रहा, इस चीज़ का असेसमेंट करना होगा टू असेस द हैमरेज और ब्लीडिंग कंडीशन। एग्जामिनिंग द बेडिंग, बेड को एग्जाम करना है टू असेस द ब्लीडिंग कंडीशन इन दिस पेशेंट। ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लिप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। अगर कोई पर्सन रात को सोते समय उठकर अनकॉन्शियसली वॉक करता है, यानी नींद में चलता है, तो उसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? सोमनोकाइनेसिस, सोमनैम्बुलिज्म, एन्यूरेसिस, इंसोमनिया। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सोमनैम्बुलिज्म। यहाँ पर एम्बुलिज्म शब्द है, एम्बुलिज्म का मतलब होता है वॉल्क, और सेम सोम का मतलब होता है ड्यूरिंग स्लिप। तो नींद के समय या नींद में सोते हुए चलना सोमनैम्बुलिज्म के नाम से जाना जाता है।
और इनसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आना, लैक ऑफ स्लीप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पूटम सैंपल ऑफ ए एफ बी नीड टू कलेक्ट एसिड फास्ट बेसिलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्पूटम सैंपल लिया जाता है वो किस समय लेना सबसे बेस्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मॉर्निंग आफ्टर वेकअप, ऑप्शन बी आफ्टर ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी इन द इवनिंग, ऑप्शन डी व्हेन एवर द पर्सन कफ। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब मान लीजिए कोई टीबी का पेशेंट है, आपको उसमें स्पूटम सैंपल लेना है, तो सबसे बेस्ट मेथड होगा, सबसे बेस्ट टाइम होगा जब पेशेंट रात को सोकर उठता है। रात को सोया हुआ पेशेंट जब सुबह उठेगा तो उस समय उससे कफिंग करवा कर बिना उसे ब्रश कराए जो कफ निकलेगा, जो स्पूटम निकलेगा उसे हम कलेक्ट कर लेंगे और इस सैंपल के अंदर पर्याप्त मात्रा में एसिड फास्ट बेसिलाई मौजूद होंगे, तो ये उसके प्रॉपर डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। सो ऑलवेज कलेक्ट द स्पूटम सैंपल व्हेन एवर द पेशेंट गेट अप इन द मॉर्निंग, इट इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द स्पूटम सैंपल फॉर ए एफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग इंटरवेंशंस डायरेक्टेड एट हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर अडल्ट आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन, किन्हीं ओल्ड पर्सन में जो नर्सिंग इंटरवेंशंस आप करते हैं उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होनी चाहिए। ओल्ड एज पर्संस में उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो भी इंटरवेंशन आप करते हैं उसका मेन फोकस किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए डिजीज मैनेजमेंट पर, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग सिम्टम्स ऑफ इलनेस पर, ऑप्शन सी टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स पर, ऑप्शन डी टीचिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशन टू एनहेंस लॉन्गेविटी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओल्ड एज पर्संस में हेल्थ प्रमोशन के लिए जो भी एक्टिविटी हम इंटरवेंशन करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्लाइंट को पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स के बारे में बताने का होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन फीटल स्कल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ब्रिग्मा टू नैप ऑफ नेक इज टर्म्ड एज, किसी फीटल स्कल में ब्रिग्मा के सेंटर से नैप ऑफ नेक की जो दूरी होती है उसे कौन सा डायमीटर कहा जाता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, सब मेंटो ब्रिग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर मेंटो वर्टिकल। कंफ्यूज हो रहे हैं, इस डायग्राम को देखिएगा, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये किसी बच्चे का सिर है, ये इसकी नोज है, ये इसके होंठ हैं, ये नेक वाला पार्ट है। तो इस जगह पर ब्रैग्मा होता है, सेंटर ऑफ ब्रैग्मा से नेप ऑफ नेक यानी गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसे आप हिंदी में गुद्दी कह सकते हैं, बैक ऑफ नेक के बीच में ये जो डायमीटर बन रहा है ये क्या कहलाता है। सेंटर ऑफ ब्रिग्मा यानी सर के आगे वाले सेंटर पार्ट से लेकर गर्दन के पीछे के हिस्से के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनेगी इसे आप कौन सा डायमीटर कहेंगे। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज कॉल्ड सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक। हमारे यहाँ पर ऑक्सीपिटल एरिया होता है तो सब ऑक्सीपिटल
एरिया से निकलकर ब्रेग्मा से मिलने वाली जो डायमीटर है इसे सब ऑक्सीपिटो ब्रेग्मेटिक डायमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज प्रपोज्ड बाय। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट कोच द्वारा, हिपोक्रेट्स द्वारा, ऑगस्ट विल्समैन ने या फिर लुईस पाश्चर ने? ऑप्शन डी इज करेक्ट। लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। जर्म थ्योरी जो कि वाइडली एक्सेप्ट की गई है, इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी डिजीज कंडीशंस होती हैं जिनके होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी आंखों से न दिखने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर सकते हैं, ये इस थ्योरी में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI डज नॉट इंक्लूड। किसी भी देश के ह्यूमंस कितने डेवलप्ड हैं, इस चीज को पता करने के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज किया जाता है उसमें किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वन, रियल जीडीपी पर कैपिटा, अडल्ट लिटरेसी रेट। अगर आप CHO लेवल के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इवन नॉर्सेट भी आप इसे आपसे ये पूछ सकता है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अडल्ट लिटरेसी रेट को नहीं इंक्लूड किया जाता। यहाँ पर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन और रियल जीडीपी पर कैपिटा, ये तीन पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों चीजों को देखकर, समझकर, कैलकुलेट करके आप ये पता कर सकते हैं कि किसी देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति या लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं, कितने विकसित हैं, ये चीज इससे पता चलती है। इसे अगर आप चाहें तो थोड़ा इजी कर सकते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को आप इस प्रकार से याद रख लें कि उस देश के लोगों का एजुकेशन कितना है। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि उस देश के लोग जो हैं कितना लंबा जीवन जी पाते हैं। और थर्ड आप लिख सकते हैं इनकम, यानी उस देश के लोगों की आमदनी कितनी है, इनकम पर कैपिटा ऐसे लिख लीजिएगा, या फिर इसे सिंपल इनकम से याद रख लीजिएगा। इस तरह से सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। एगोराफोबिया टर्म द्वारा किससे डर को बताया जाता है? स्ट्रेंजर्स, अगर, क्लोज्ड स्पेस, ओपन स्पेस। फोबिया शब्द का मतलब होता है इर रैशनल फियर, यानी बिना किसी वैलिड रीजन के किसी चीज से अगर डर लगता है तो ये चीज फोबिया है। और एगोराफोबिया वह कंडीशन है जिसमें क्लाइंट को ओपन स्पेसेस में खुली जगहों पर जाने से डर लगता हो। अगर क्लाइंट को खुले जगह पर, ओपन स्पेस पर जाने से डर लगता हो तो ये एगोराफोबिया है। और अगर मान लीजिए क्लोज्ड स्पेस पर जाने से डर लगे तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी? इसे हम क्लस्ट्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग इज, स्किन टैनिंग के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? कैरोटीन, रेड ब्लड सेल्स, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइमा। यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। हमारी स्किन के कलर यानी टैनिंग, टैनिंग शब्द का मतलब होता है स्किन का ब्लैक ब्राउन कलर होना, यानी हमारी स्किन का कलर ब्लैक होगा ब्राउन होगा। इस चीज के लिए तीन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला आपने बता दिया कैरोटीन, सेकेंड नंबर पर होता है मिलेनिन, और थर्ड नंबर पर आता है मिलेनॉइड। ये तीन पिगमेंट्स हैं जो कि स्किन टैनिंग या स्किन के ब्लैक ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना कलर डार्क होगा यानी ब्लैक या ब्राउन होगा, जितना कम होगा उतना वाइट स्किन होगी। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए स्पेशली कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉरनर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।